सूरह काफिरून दूजी रकत सूरह अलहम्द तो बाद कुल हुवल्लाहु अहद यानी सूरह तौहीद पढ़ूँ, उस बाद तस्बीह पढ़ूँ, तस्बीह पढ़न तो बाद तस्बीहात अरबा सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर 100 मरतबा। बाकी बड़े सोने सोने अमाल इन दुआए कुमैल की तिलावत की वजे, दुआए इमाम जमाना की तिलावत की वजे, और रात इसको यानी कोशिश करनी चाहिए कि अपने वास्ते दुआ और इस्तगफार और इमाम दे जहूर दिया दुआई मंगनिया चाहिए। अस सारा का मूड है ना कि इमाम का जहूर थी वे, यकीनन साको दुआई इमाम वास्ते मंगनिया चाहिए। और दूजा अपने एक बुजुर्ग आलिम दीन हैं आयतुल्ला अब्दुल करीम कश्मीरी, उन्हें एक अमल दस है कि जेड़ा इंसान चाहता है मेरी जिंदगी वध वंजे, जेड़ा इंसान चाहता है मेरे तो बलावा मुसीबतां दूर थी वंजन, और फरमाया कि जेड़ा इंसान चाहता है कि मेरे रिज़्क च इजाफा थी वंजे। फरमाया इस रात दे अंदर, क्योंकि रात को जाग के गुजारना है, फरमाया इस रात दे अंदर एक दफा सूरह यासीन दी तिलावत करे इस नीयत नाल कि मेरा अल्लाह मेरी उम्र लंबी कर। हर बंदे दा दिल चाहता है मेरी लंबी उम्र होवे, ढे सारा जीवा पोतरे डोतरे ओ सारा को देख के वंजा, इवें ना मरण वास्ते तो मूड ही नहीं आता ना बंदे दा उका। यानी पहली शय फरमाते हैं कि एक दफा सूरह यासीन दी तिलावत कर इस नीयत नाल कि मेरा अल्लाह मेरी उम्र को लंबा कर। दूजी दफा सूरह यासीन दी तिलावत कर इस नीयत नाल कि मेरा अल्लाह मेरे को वुसा ते रिज़्क अता फरमा ताकि मैं रिज़्क ते दे रस्ते ते लावा। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। त्रीजी दफा फरमाया, त्रीजी दफा इसे सूरह दी तिलावत कर सूरह यासीन दी इस नीयत नाल कि मेरा अल्लाह मेरे घर तो मेरे तो मुसीबतां बलावा को दूर फरमा। फरमाया जेड़ा बंदा यकीन ए कामिल नाल त्राए मरतबा रात दे अंदर सूरह यासीन दी तिलावत करे चा अल्लाह दी जात इंदी जिंदगी को भी लंबा कर दे सी, इंदे रिज़्क को भी वसी कर दे सी, और मुसीबतां बलावां कोई इंदे तो दूर कर दे सी। यानी कितना आसान है, इंसान घंटा डेढ़ घंटा या दो घंटा दे विच सारे दा सारा अमल कर सकदा है। जी सर, जेड़ा नहीं पढ़ सकता तो यकीनन वो अपने आप को इवें आखे भी अपनी किस्मत को आखे। और उस तो बाद बाकी बहुत सारे अमाल हैं, सिला रहमी रिश्तेदार रूठा होए ज्यादती भावे की वधे, लेकिन मैं अपने इमाम की वजह तो टुर के लगा गया उन्दे कोल, मेरा मौला तेरी खुशनूदी की खातर पिया वैना, ते को राजी करण की खातर पिया वैना। मासूम फरमाते हैं सिला रहमी तू कर चा त्रै चीजा की मैं गारंटी रहना, अल्लाह तेरी उम्रा तवील कर दे सी, अल्लाह तेरे रिज़्क च इजाफा कर दे सी, और अल्लाह ते को जन्नत जै नेमत उज़्मा अता करे सी। देखो जिंदगी गुजारण दे मासूम ने तरीके दसे, अगर फर्ज किया सा को सूरह यासीन नहीं आंदी अस सिला रहमी च करूं और वल जन्दा कहीं नल ना होवे, अल्लाह दी बारगाह च बह के दुआ मंगे मेरा अल्लाह अगर मेरे को कोई सामान आमदन गलती थी कि ये माफ कर। यानी इंसान अपने आप को दुआए कुमैल दे जरिए अगर आंदी नहीं सुन तो सकते हैं सुन के, बाकी अमाल जितने आंदे दरूद आंदे इस्तिगफार दी तस्बीह आंदी है तस्बीहात अरबा आंदी है बाकी अमाल करूं रहंदे। यानी मकसद यह है कि इस रात दे विच इंसान जितने अच्छे अमाल करे सी उतना ज्यादा उसको फायदा थी सी, फायदा साडा है, अल्लाह दी जात अपनी मखलूक दा फायदा करना चाहती है। मिलके बावाज़े बुलंद सलावात। अज इस हस्ती दे आमद वास्ते अस इकट्ठे थे हैं के कल 15 शाबान विलादत बासआदत है सरकार दी, ते असा एक दिवार पहला एडवांस उस जशन शरीक बैठी ने हैं। वो हस्ती वो है कि जिन बारे खुद सरकार मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
सरकार फरमाते हैं मम्मा तवलम यारिफ इमाम जमाने ही मातमी ततल जाहिलिया। जेड़ा बंदा मर गया ही दुनिया तो लगा गया और अपने जमाने दे इमाम दी मारिफत तो बगैर मर गया, मेरे आका फरमाते हैं उन दी मौत ते जाहिल दी मौत च फर्क कोई नहीं। यानी मारिफत इमाम जमाना होनी चाहिए इंसान दे अंदर। जिंदगी भी ता मुकम्मल है, कामिल और अकमल जिंदगी भी हुआ है जिस मारिफत इमाम जमाना होवे। अगर अपने जमाने दे इमाम दी मारिफत कोई नहीं तो जिंदगी फजूल है। और वो कोई आम हस्ती नहीं जिसते आमद चाहिए, कोई आम हस्ती नहीं जिंदियां बशारत खुद कायनात दा नबी 1400 साल पहले दे के गया और साडे वास्ते दुआई फरमा के गए। हस्ती कोई आम हस्ती नहीं जिंदे आमद थे, चरिंद भी खुश, परिंद भी खुश, मलक भी खुश, हुरान जन्नत भी खुश, किबरिया भी खुश और जनाब मुर्तजा भी खुश और सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा भी खुश। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। तो रिजाओ के समाद दा भी सदके वाकियन मैं तो आके शायद घर दा समझ के तुसा अपनी नजर पास ते कर गिन सो। यानी मकसद के सरकार जिन्हें दी आमद सही है और खुद जेड़े दोस्तान जुमे ते वैंदन वो हर जुमा यकीनन ए जुमले सुन के आंदन मिलके बावाज बुलंद सलावत सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद इमाम ए जमाना बुलंद तर सलावत। हर रोज जुमा ये जुमले सुन के आंदे खुतबे दे अंदर वा भी जुमने ही रोजे कल वरा व बि वजूद ही सबतत अल अर्ज व समा कि ए वो हस्ती है कि जेंदी वजह तू मखलूक को रिज़्क पिया मिल दे व बि वजूद ही सबतत अल अर्ज व समा। और फरमाया कि वो हस्ती कि जेंदे वजूद बाबरकत दी वजह तू जमीन और आसमान कायम है। यानी जमीन और आसमान दे कायम होने वास्ते इमाम दे वजूद दा होना जरूरी है। और इमाम परदे गैबत इमाम है मुंतजर, असा है मुंतजर, इमाम दी असा इंतजार पे करें दे हैं। एक मुंतजर को अपने इमाम दे इंतजार करने वाले को कैसा होना चाहिए? मुंतजर इमाम कुरान दी तिलावत तो इब्तदा करे अपने नींदी और राती नमाज इशा ते अपनी नमाज ते मुका के दसे के मैं वाकियन इमाम दा इंतजार पिया करे ना। यदि मुंतजर इमाम जमाना कैसा होना चाहिए कि वाकियन जेंदे अमाल इमाम दी बारगाह च वंजन ता इमाम खुश होके दुआ देंदे होए नजर आवेन, ना कि साडे अमाल दी वजह तो इमाम रंजीदा नजर आवेन। बस यो हस्ती के जेंदे बारे मेरे चौथे आका फरमाते हैं कि मुंतजरे ने इमाम जमाना फरमाया कि ये लोग अफजल होसन उन लोगों तू जिन लोगों ने जंग बदर और ओहद रह के सरकार मुहम्मद मुस्तफा दे नाल लड़दे होया जामे शहादत नोश कीता। फरमाया उन्हां कोलो ओ लोग अफजल होसन जेडे आखिरी हुज्जत दा इंतजार पे करें दे होसन। सुबहान अल्लाह। सवाल होया मौला इन्हां तां जंग दे अंदर नेजे खादे, इन्हें को तलवारां लगियां, इन्हें को तीर लगे, इन्हें भूख और प्यास गुजारी। मौला किवें हो सकदा है कि इमाम दा इंतजार करने वाले लोग इन्हें तो अफजलिन? मेरे आका फरमाते हैं कि ओ लोग ओ हैं जेड़े सरकार मुहम्मद मुस्तफा दे वजूद को देखते पाए हैं, सरकार दी बरकत को देखते पाए हैं, सरकार सामने मौजूद हैं, ये लोग लड़ते हुए नजर आते हैं। मेरे आका फरमाते हैं लोग वो होसन जिन्हें इमाम जमाना को अपनी अख नाल डिठा ना हो सी, अपने कन्ना नाल इमाम दी गुफ्तगू ना सुनी हो सी, अपने हाथ नाल इमाम को मस ना कीता हो सी, अपनी जुबान नाल इमाम दे हाथों दे बोसे ना कीते होसन, लेकिन वत भी 1400 साल बाद सरकार मुहम्मद मुस्तफा दियां हदीसा पढ़न तो बाद ये लोग इतना पुख्ता यकीन रखते होसन इमाम नजर ना आंदा होसी, लेकिन इमाम दी इमामत यकीन रखते वदे होसन। अल्लाह अकबर। नारे रिसाला या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी या अली। फरमाया कि वो लोग
जेड़े इंतजार करने वाले हो सन, इंतजार इस रंग का पै कर हो सन कि इमाम दे रूह भी उन्होंने उत्ते खुश हो सी, इमाम भी उन्होंने को दुआई देंदे हुए नजर आ सन। बस मेरे दोस्तों ने मुंतजर इमाम को कैसा होना चाहिए, अगर अस चाहते हैं कि वाकियन असा भी इमाम की फौज शामिल थे, इमाम भी साढ़े उत्ते खुश होवन, तब असा को किरदार वो अपनावना पोसी जेड़ा किरदार सलेमान फारसी दा हा, जेड़ा किरदार अबू जरे गफारी दा हा, जेड़ा किरदार मिकदाद दा हा, जेड़ा किरदार कंबर दा हा, जेड़ा किरदार मालिक अश्तर दा हा। जी मालिक कौन है? मालिक हस्ती है जेको मिस्र दे कन भेजन वास्ते मेरे आका अली अलैहिस्सलाम ने जड़ा खत लिखा, फरमाया मैं तुम्हारी तरफ ऊ अब्दे खुदा को पिया भेजेंदा, ऊ अपने गुलाम को पिया भेजेंदा जड़ा अकीदा वो रख दे जड़ा मैं अली मुर्तजा दा अकीदे, और जिसकी मजबूती पहाड़ दी मानद मजबूती है। और मालिक कौन है? जंग सिफीन रात को लड़दिया 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 ए मालिक जड़ा पहुंचे उस खैमे दे करीब जेड़े खैमे दे विच दुश्मन अली बैठा हा, इस मालिक ने इतना कुछ रिवायात आदियन के फर्क हा हिक तीर दे फासले ते हा, बाकी इस मालिक दी जीत। लेकिन जना अली मौला दा पैगाम पहुंचे फरमाया मालिक वापस वाला, उस वेले तीर नयाम च पाता तलवार नयाम च पाती वापस पलटे, जना पुछण आले पुछा मालिक ए दसा तीर चला छोड़े हा, वत अली मौला को माफी मंगने हा, अखिच अख पाके आदे हया ने वे आंदा तीर चलावना भी वो इबादत है जेंदे च अली दी मर्जी शामिल होवे। सुभान अल्लाह। बस अगर मर्द है तो मालिक अश्तर दे किरदार को देखो, मीसा में तमार दे किरदार को देखो, सलेमान फारसी दे किरदार को देखो। और एक मस्तूर है मेरे छेवें आका दे दौर दे अंदर जिसका नाम है उम्मे खालिद, जिन्हें बारे मेरे आका ने फरमाया कि जड़िया पंजा औरतां इमाम जमाना दी फौज शामिल होवणियां, सब तो पहला ये उम्मे खालिद भी उन्हां दे भी शामिल है। बस छोटा जिहा वाकिया उसके बाद अपने किबला को मेंबर भी देना। ए उम्मे खालिद इस दे कजन है, ये भी बीमार होया, इस तबीब को लगी है, इसने दवाई की दी, दवाई गिन के खा दी, ये ठीक हो गया। उम्मे खालिद मरीज हो गई, ओ तबीब को गई है जिन्हें को रिश्तेदार गई है, दवाई गिन के वाल लई है, लेकिन इनकी तबीयत नहीं संभली। दोबारा वन के आ दिए, मैं कुछ अरसा पहला मेरे रिश्तेदार तुहाड़ी दवाई नाल ठीक थे, बीमारियों की भी यह है, बीमारी मेरे को भी हुआ है, तबीब आदे मैं जानना जेड़ी दवाई मैं उको दीती दवाई तय नहीं खावनी, इसरार की दस केड़ी दवाई है, तबीब आदे वो दवाई वो है कि मैं उसको दीती है शराब, शराब पीवन नाल उसका इलाज हो गया, यदि मैं तो अपने इमाम का हुक्म मनण वाली हाँ, मैं शराब नहीं पी सकती। इमाम दी बारगाह च गई है, आदि मौला मैं मरीज हुई हाँ, इवें मेरा रिश्तेदार मरीज होया, वो इस दवाई नाल ठीक थी गया, मैं गई हाँ उसे तबीब कन, मैं उसको दवाई की दी, आदे अगर शराब पी गई ने तो तू शराब नाल ठीक थी वैसे, लेकिन मौला मैं तुहादे मनण वाली हाँ, मैं तो शराब ना पी सकती। यकीनन जड़ा जुमला मैं तारीख पढ़े मेरे आका फरमेंदे हराम में शिफा कोई नहीं, पहली शे हराम में अल्लाह ने शिफा नहीं रखी, दूजा फरमाया केवल तय शराब क्यों नहीं पीती, मौला जना तुहादे हुक्म दे मुताबिक शराब हराम है, मैं तुहादे मनण वाली कि मैं शराब पी सकती हाँ। बस मेरे दोस्तान मैं इतने तक रिवायत पढ़ी है, इस तो अगर नहीं पता ये इसे बीमारी नाल दुनिया तो लगी गई है या इस तो बाद जिंदा रह गई है। जदा मेरे आका को इसने आके पूछा मौला अगर मैं तुहादे मनण वाली शराब इसे वास्ते नहीं पीती क्योंकि तुहादे हुक्म दे मुताबिक तुहादे नाने दी शरीयत दे मुताबिक शराब हराम है, मेरे आका फरमेंदे हुए नजर आंदे ने लोगो जान गिनो साडे आखिरी हुज्जत दे दौर दे अंदर जेडे 313 साल पहले सब तो पहला सिपाही हो सन उन्हां दे विचों 50 मजदूरां हो सन और उन्हां 50 मजदूरां दे अंदर ही के उम्मे खालिद हो सी। तो बस नतीजा देवा मेरे दोस्तों, जेड़ा बंदा अज दे दौर दे अंदर भी अपने इमाम को डिठिया बगैर टुर गया
رجعت عقیدہ ہے فقہ جعفریہ دے اندر جدا امام دا ظہور ہو سی اگر اے واقعاً اسے انتظار جی میں امام چاہدن میرا منتظر کیسا ہونا چاہیے اگر اے اسے انتظار اپنی زندگی گزار کے امام دے دیدار تو پہلا ہی دنیا تو لگا گیا جس ویلے امام دا ظہور ہو سی اے بندہ بھی نال اٹھایا ویسے تو بس اپنے امام دے انتظار واسطے ضروری ہے کہ انسان لقمہ حرام نہ کھاوے لقمہ حلال کھاوے بس جڑا بندہ چاہندے کہ میں بھی اپنے امام دی زیارت کراں اور میں بھی اپنے امام دی نال رہ کے کفار نال مقابلہ کراں میں بھی امام دی سپاہی شامل ہوواں اپنے واجبات کو ادا کروں محرمات تو بچوں اور سب تو بہترین جڑا ذریعہ ہے وہ ہے رزق حلال مسمت مار میرے آقا خطبہ ارشاد فرما کے ڈٹھا مجمع دے اندر فرمایا میسم نظر نہیں آندا لوگوں نے ڈسا مولا ہوتا ٹوکرا ایک پنڈ دا چاہ کے فلا مقام تے پنڈ بیٹھا بھی چیندے میرے آقا علی فرمیندن تسا کیا جان دے ہو میسم دا کیا مقام ہے یعنی امام دے نزدیک بھی حلال کما کے کھاون والا امام دے نزدیک غبی غریب اور امیر ہونا شرط نہیں امام دے نزدیک شرط ہے کون ہے جڑا سادے حکم دے مطابق اپنی زندگی گزریں دے دعا ہے خالق لم یزل سکو ائمہ دی سیرت کو پڑھن سمجھن رستے عمل کرن دی توفیق عنایت فرماوے مل کے باواز بلند صلوات